नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं जितने भी इंडियन लोग, पाकिस्तानी लोग या कोई भी लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, सबके मोबाइल में वीपीएन डाउनलोड है। जी हाँ साथियों, क्योंकि भाई मैंने तो खुद किया है तो मैं तो मानूंगा ना कि वीपीएन डाउनलोड है। और आपको इसका सीधा सा रीजन है वीपीएन डाउनलोड होने का कि भाई मेन रीजन ये है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग वहाँ पे अलाउ नहीं है, वॉइस कॉल अलाउ नहीं, इस वजह से लोगों को वीपीएन डाउनलोड करने पड़ते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। बाकी ये कितना मतलब सही है या अरब कंट्रीज में कौन कौन से देशों में कितने कितने प्रतिशत वीपीएन लोग डाउनलोड कर रखे हैं, ये लीगल है इलीगल है, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको कितना फाइन हो सकता है, पूरी हम स्टोरी आपको क्लियर कर देंगे ताकि आप इन चीजों से ध्यान में रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीपीएन अरब देशों में बता दूं 5 देशों में इस्तेमाल होता है, इसमें दुबई, कतर, ओमान, सऊदी और कुवैत। बहरीन में वीपीएन इस्तेमाल नहीं होता, ये बात आपको मुझे लगता है अच्छी है, अच्छी बात है ये, वहाँ पे सीधा वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप कॉलिंग से आप बात कर सकते हो। वीपीएन अगर देखा जाए तो होती क्या, वीपीएन देखा जाए तो हम तो इसको नॉर्मली यूज लेते हैं कि भाई ठीक है घर पे वीडियो कॉल कर लिया, चैटिंग कर ली वगैरह वगैरह, लेकिन इसका वास्तविक रीजन ये होता है कि ये आपके ओरिजिनल आईडी को छुपाती है और थर्ड पार्टी के थ्रू आपको जिससे आप बात करना चाहते हैं आपको बात करवा देती है, यानी आपका ओरिजिनल नाम पता एड्रेस वगैरह अगले के पास नहीं पहुंच पाता है। ये एक तरह से इसको सबसे ज्यादा लोग हैकर्स लोग यूज कर सकते हैं, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा नेगेटिव रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट में ये पता चला है कि मैं बता दूं वीई में 3.82 यानी लगभग मैं बता दूं 4 मिलियन के करीब, जी हाँ 4 मिलियन के करीब लोग वीई में वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बच गए कितने, 1 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी वीई में मेरे हिसाब से लगभग है, उसमें 80 लाख के करीब वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ 2020 में मैं बता दूं अकेले 2020 लॉकडाउन में 3.8% यानी लगभग 40% के करीब लोगों ने 2020 में वीपीएन डाउनलोड किया है दुबई वीई में। कतर में मैं बता दूं 0.8 मिलियन लोगों ने वीपीएन डाउनलोड किया था 2020 में, यानी 27.9 यानी 28% आबादी वीपीएन का यूज करती है कतर। ओमान की बात करें तो 1.2 मिलियन जी हां साथियों, लगभग 12 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया वीपीएन डाउनलोड किया, जो तीसरे स्थान पर है 23.8 यानी 24% आबादी वीपीएन का इस्तेमाल करती है ओमान में। सऊदी अरब में बात करें तो 5.5 यानी आप मान सकते हैं 5.5 मिलियन लोगों ने 5.5 मिलियन लोगों ने वीपीएन डाउनलोड किया 2020 में। और कुवैत में सबसे कम है भाई, कुवैत में 0.55 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया वीपीएन को। ये लोग गल्फ कंट्री में, अरब कंट्री में ये लोग इस्तेमाल, आप लोग रहते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। यूएई में मैं बता दूं वीपीएन को लेकर सख्त कानून बना है, सख्त नीति बनी हुई है, अगर देखा जाए तो लोग इस्तेमाल भी करते हैं, सरकार इतना कोई नहीं है कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई कर दी वगैरह वगैरह, लेकिन उसके ऊपर भी एक कानून बनाया हुआ है वीपीएन के ऊपर। वैसे देखा जाए इलीगल है लेकिन इसके ऊपर एक कानून बना है कि अगर इस तरह से आप पकड़े जाओगे तो आपकी ये सजा हो सकती है, तो वो आपको सुनना जरूरी है। यूएई में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आपको पता है भाई रोक लगा हुआ है, आपको पता है आप वॉइस ओवर यानी वीडियो कॉल या वॉइस से बात नहीं कर सकते, आप सबको पता है, इसीलिए इसको यूज में लेते हैं लोग। धोखाधड़ी करने वाले कंप्यूटर से, लैपटॉप से या अन्य किसी भी तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी तीसरे का पक्ष का यानी उसकी आईडी इस्तेमाल करके किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के पैसों से, किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे भी, उसके लिए कारावास के साथ आपको मैं बता दूं 2.5 लाख दुबई दिरहम का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ यानी सजा भी है प्लस आपका जुर्माना है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो बाकी तो लोग इस्तेमाल करते हैं इसको गलत तरीके में लेके जाते हैं कि भाई वीपीएन का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर वो मुकदमा कर देता है, फिर जांच होती है, तब उस ये सजा है, बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं कोई इतना इश्यू है नहीं। बस ये जानकारी देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ अच्छे वीडियो में। जय हिंद जय भारत।